इसमें जो आपको दावा देना पड़ा, कुछ अर्जेंट चीजें ऐसी आई है कि खास करके जो कल फेज था जिसकी पोलिंग कल खत्म हुई, और जो डिस्ट्रिक्ट आपके बारामूला थे गांदरबल, और सबसे बड़ी दिक्कत डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जहां पे पोलिंग अफसर को ये नहीं पता कि उसके सहने में 2 बजे से पहले जो पहुंचेगा, जो अंदर गेट क्रॉस करेगा, उसको वोट डालना है, चाहे शाम के 5 बजे चाहे 6 बजे। दिस इज द क्लियर कट ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स गाइडलाइंस, और किसी भी जगह डिस्ट्रिक्ट बारामूला में उसको फॉलो नहीं किया गया। वोट आ रहे थे, लोग आ रहे थे वोट डालने के लिए, ऑफिसरों को ट्रेनिंग नहीं थी। उन्होंने 2 बजे क्या काम किया, उन्होंने 2 बजे अंदर अपना वाला जो उनका बॉक्स है उसको बंद किया, बल्कि गेट का जो सान है उसको बंद नहीं किया। जो लोग अंदर आए थे वो बेचारे वोट डालने के बगैर वापस चले गए। दिस क्वेश्चन मस्ट बी आस्क टू दिस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट। सेकंड, देखिए अनप्रोफेशनल, पोलिंग बूथ के अंदर किसी पार्टी का बैनर नहीं होना चाहिए। आई विल गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जहां पर काफी सारी पार्टीज ऐसी थी जिनके बैनर अंदर लगे हुए थे, और किसी पोलिंग ऑफिसर ने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाने से पहले यह जहमत नहीं की कि वो उसको क्लियर करवाता। दो, थर्ड, ये जानते हुए भी कि फ्राइडे जो है दैट इज उसमें आपका जो है 12 बजे 12:30 अजान होती है, 2 बजे तक नमाज होती है, एंड सर्दियों का मौसम है, लोग 8-9 बजे घरों से निकलते हैं। जैसे वो जाते पोलिंग बूथ पे तो 12 बजे अजान हुई और 2 बजे तक लोग नमाज में थे। हमने बार बार कहा गवर्नर साहब से कि एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत यह है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो शायद नहीं चाहते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कि यहाँ पर डेमोक्रेसी हो, यहाँ पर इलेक्शंस हो, यहाँ पे बाजाबता जहां तक पहली दफा इन द हिस्ट्री कल DDC के इलेक्शंस जो हो रहे हैं स्टैम्पर वैली के अंदर, जम्मू के अंदर। और व्हाट इज दिस, इट्स अ 3-tier पंचायत राज, नॉट मोर देन दैट, इसे कोई उससे ज्यादा नहीं है। एक 3rd tier जो आपका लेवल है पंचायत राज का, दैट इज DDC इलेक्शंस। तो मेरी गुजारिश है, अपील है, ऑनरेबल अपील टू अवर दिस सॉरी ऑनरेबल गवर्नर कि ये चीज आप जरा ठीक करिए कि आपके जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द लॉज बायलॉज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जब उनको पता ही नहीं है कि बायलॉज क्या है, कैसे वो पोलिंग करवाते हैं वहां पर, करवाएंगे अपने जो ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स में इतना नुकसान हुआ कि हमारा जो पोलिंग रेशियो था कल जहां पर वो 80% आता, आई वाज सपोज टू यस्टरडेज पोलिंग रेशियो विल बी 80%, 50%, 40% भी नहीं आया। ये जानते हुए भी कि प्रेयर के टाइम पे, नमाज के टाइम पे छुट्टी होती है, नॉट छुट्टी मींस लोग नमाज के लिए जाते, लेकिन तब भी आपने इलेक्शन जो है फ्राइडे के दिन करवाया। दिस अनजस्टिस विद द पीपल ऑफ कश्मीर। कश्मीर आपने किन लोगों से मशवरा करते हैं, आप किन से पूछते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ऑनरेबल गवर्नर ऑफ दिस स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर मस्ट टेक इस चीजों का जो है खुद जायजा ले कि सही मौका सही टाइम हो। एक तो वैसे सर्दी माइनस टेम्परेचर एंड ऊपर से आपके 7 बजे आप पोलिंग लगा रहे हो जबकि अंधेरा है, उस वक्त रोशनी भी नहीं आई होती। आप क्या करते हो कि अहमदाबाद में आपने सुबह के 7 लगाए, आप कश्मीर जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि क्या 7 बजे रोशनी आती है कश्मीर के अंदर, जो सूरज निकलता है वो 8-8:30 निकलता है। तो 7 बजे पोलिंग लगाने का क्या मतलब, क्या चोर आ रहे हैं कि जिनने चोरियां करनी है, बूथ्स भरने हैं? तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स नहीं हो, इन फ्यूचर नहीं हो, एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस चीज का जो है जायजा ले। तो इससे जो आप कहते हो कि एक लोगों को गुमराह करने वाली चीजें ना करें, दैट्स ऑल। दिस इज, हमें कहीं जाने नहीं दिया जाता यहाँ पर, कुछ जो प्रो बीजेपी और जो बीजेपी के, अरे नहीं 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 नहीं, सिक्योरिटी प्रोवाइड, दे आर दीस आर ऑल, सुनिए सुनिए, अरे कांग्रेस के भाई साहब इलेक्शन लड़िए, किसने मना किया? हमारे भी, हमारी पार्टी के 10-15 कैंडिडेट लोगों पे आए,
10 घंटे हमारी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसी कमी नहीं लगी। कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जहां पर पोलिंग हो रही है जैसे जड सिक्योरिटी वहां लगी थी। ठीक है, अगर कैंडिडेट को कुछ हो जाएगा दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अगर इस चीज को केयर कर रही है तो आप इस पर क्वेश्चन उठाने का क्या मतलब। एक्सक्यूज बोलते हैं, मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं उठाया। हम ये बोलते हैं कि स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। अब आप हार रहे हो तो उसका मतलब अब आप ये कह रहे हो कि सिक्योरिटी, ये बता रहे हो। हमारे कैंडिडेट वैसे भी है जो विदाउट सिक्योरिटी कंपनी करते रहे, अगर सिक्योरिटी नहीं देंगे कल को तो उस पर भी सवाल, उस पर भी बवाल। आप सिक्योरिटी दे दी तो आप उसके ऊपर बवाल बनाने का।